जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज 2024 मार्च में जो भी आपका राशि फल है वो सभी मैं आपके साथ कैलेंडर के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। जो भी कैलेंडर में लिखा है उसे मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं 2024 का आपका राशि फल क्या होगा। मेष राशि की बात करें तो दुष्ट संगति से अनुचित कार्य संभव है। विद्या बुद्धि में निखार आएगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई गलत संगति में फंस गए हैं, कोई बुरा दोस्त है आपके साथ, तो उसके साथ मिलकर आप कोई कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, उनसे दूर रहे। साथ ही विद्या और बुद्धि में निखार आएगा। वृषभ राशि की बात करें तो मान सम्मान में कमी का अनुभव होगा। नवीन संपत्ति का लाभ होगा, यानी कि उन्हें ऐसा फील होगा कि उनकी इंसल्ट हो रही है, कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा है। साथ ही अगर उन्होंने कोई नई संपत्ति खरीदी है, कोई घर खरीदा है, कोई कार खरीदा है, कोई वाहन खरीदा है, तो उससे उसको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होगा। हो सकता है आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, अपना ध्यान अवश्य रखें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। कर्क राशि वालों की बात की जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होगा, इनको भी शारीरिक पीड़ा का है। शनि साहस का संचार करता रहेगा, यानी जो शनिदेव है आप पर कृपा दृष्टि बनाएंगे। सिंह राशि की बात करें तो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सगे संबंधियों से मनमुटाव रहेगा। भौतिक सुख सुविधा आपको मिल सकती है, कहीं से लॉटरी लग सकता है, कहीं से पैसे आ सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, और साथ ही जो आपके चाहने वाले हैं, आपके संगे संबंधी है, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, उनसे मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो स्त्री पुत्र आदि से पृथकता, शत्रुओं से समझौता संभव है। यानी कि हो सकता है कि आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई हो जाए, पुत्र से नाराजगी हो जाए, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाए और दोनों अलग अलग हो जाएं। शत्रुओं से समझौता करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो शत्रु होते हैं कभी कभी दोस्ती का हाथ भी बढ़ा देते हैं। तुला राशि की बात करें तो विद्यार्थी हेतु मास उत्तम है। व्यापार में लाभ होगा, विरोधियों का प्रभाव बढ़ेगा। मार्च में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथ ही दुश्मनी भी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले अधिक परिश्रम, अल्प आय, खर्च अधिक, किसी से धोखा मिलेगा। यानी इन्हें मार्च में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के अनुसार जो उनका खर्च है, जो उनकी इनकम है, खर्च बढ़ जाएगा और इनकम कम होगा। किसी से धोखा मिलने की भी आशंका है, इसलिए बच कर रहें। धनु राशि वालों की बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, रोग नाश होगा, यानी कि जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ करवा सकते हैं अपने घर पे। मकर राशि वालों की बात करें तो विरोधियों का षड्यंत्र विफल होगा, यानी जो भी दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो उनका जो कार्य है वो विफल हो जाएगा। मानसिक कष्ट और वाद विवाद संभव है, इसीलिए दूसरों से बचे लड़ाई झगड़ा करने से। कुंभ राशि वालों की बात करें जाए तो रक्त संबंधी रोग संभव है। हो सकता है रक्त में कमी हो जाए, रक्त यानी खून संबंधी रोग संभव है, इसलिए अपना ध्यान रखें, मानसिक तनाव बढ़ेगा। मीन राशि वालों की बात करें तो मानसिक तनाव रहेगा इस महीने, और घरेलू समस्याओं को लिखकर चिंता बढ़ेगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो तो कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।